नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2021 में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा की तिथि क्या होगी 2021 में, शरद पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, इस दिन किसकी पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, क्या भोग लगाया जाता है, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की किरणों से निकलने वाली जो रोशनी हम तक पहुंचती है वह अमृत के समान होती है। शरद पूर्णिमा से ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा द्वारा हमारे शरीर को पुष्टि देने के लिए इस अमृत की वर्षा होती है। इस दिन आसमान के नीचे खुले में घूमना चाहिए। रात्रि चंद्रमा के नीचे बैठकर भगवान की पूजा अर्चना भजन कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए। इस प्रकार समय बिताकर रात्रि हमें आसमान के नीचे रहना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। बाद में इसे अगले दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। पूर्णिमा के दिन विशेष कर लक्ष्मी नारायण और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और यह भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करके भोग लगा के स्वयं सब लोग बांटकर प्रसाद रूप में खाते हैं। यह अमृत के समान ही फल देने वाला होता है। शरद पूर्णिमा की शाम से ही माता लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर घूमती है। इसीलिए इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो भक्त जागते हैं उन्हें माँ धन और वैभव का आशीर्वाद देती है। शाम के समय माता लक्ष्मी की विशेष आरती की जाती है और शरद पूर्णिमा के दिन जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं उन्हें खुले आसमान के नीचे लेकर जाना चाहिए और उनका पूजन अर्चन खुले आसमान के नीचे करते हुए भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी शरद पूर्णिमा के बारे में। इसी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।